हे अरिवीर राक्षस, मुझे शिल्प स्मृति शक्ति प्रदान करो जो तुम्हारी शक्ति है। उसके बदले में मैं ये पशु बलि तुम्हें दे रहा हूं, ग्रहण करो। हे अरिवीर, मैं बहुत खुश हूं कि मेरे द्वारा दिए गए जानवरों को तुमने ग्रहण कर लिया। वो शिल्प स्मृति शक्ति जो तुम्हारी है मुझे प्रदान करो, जिसकी मुझे आवश्यकता है। अरवीर, प्रदान करो। धन्य हुआ अरवीर, धन्य हुआ। अब मैं अपना बदला लूंगा। इस कस्बे का नाम सोनापुर है। मेरे नाल और उनकी पत्नी श्रुति कई सालों से इस कस्बे में रह रहे हैं। मेरे नाल एक शिकारी है, किसी भी जानवर को मात देने वाला वीर है। एक दिन मृणाल बगल में स्थित अबोली पहाड़ी पर शिकार के लिए गया, लेकिन वहां कोई नहीं जाना चाहता था, क्योंकि एक समय उस अबोली में अरवीर नामक राक्षस रहता था। सारे गांव वाले कहते थे कि जो भी वहां जाता है वो राक्षस उसे मारकर खा जाता था। उस कस्बे के लोगों का मानना है कि वो राक्षस अभी भी वहां है, लेकिन मृणाल बड़ी हिम्मत के साथ बिना किसी डर के शिकार करने जाता था। एक दिन वो अबोली में शिकार करने जाता है और एक हिरण का शिकार करता है और उसे घर ले आता है। उस हिरण को देखते ही उसकी पत्नी, अरे हमारे गांव में कई बाघ हिरणों को मारकर खा रहे हैं, अब हम भी अगर हिरणों को ऐसे ही मार देंगे तो वे विलुप्त हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आज मैं पूरे जंगल में घूमा लेकिन मुझे कोई जानवर नहीं दिखा, इसलिए जब मैंने इस हिरण को देखा तो मैंने इसका शिकार कर लिया। ठीक है जी, आगे से और हिरणों का शिकार मत कीजिए, पहले से ही वो बहुत कम है। हाँ ठीक है। वो उस हिरण को लाता है और उसके दांतों को एक संदूक में छिपा लेता है। ओ जी, आप क्यों किसी जानवर का शिकार करते हैं तो इस तरह उसका दांत निकाल कर छिपाते हैं? क्योंकि मैंने इस तरह एक जानवर का शिकार किया है, ये याद रखने के लिए उस जानवर का दांत छुपाता हूँ। इस तरह वे दोनों खुशी से जी रहे हैं। एक दिन मृणाल की पत्नी श्रुति सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। सब्जी खरीद कर घर लौट रही थी, इसी बीच उसे शक होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन जब कोई नहीं दिखता तो श्रुति घर लौट आती है। घर आने के बाद भी उसे लगता है कि कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा है। वो खिड़की से बाहर देखती है, एक आदमी बड़ी बड़ी आंखों से श्रुति की तरफ देख रहा होता है। उसे देखकर श्रुति बहुत डर जाती है और सिर चकराकर नीचे गिर जाती है। तुरंत वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद मृणाल घर आता है, आकर नीचे गिरी पड़ी श्रुति को देखता है। श्रुति, श्रुति, क्या हुआ, उठो। कोई मेरा पीछा कर रहा है। क्या कह रही हो श्रुति, कौन है वो? मुझे आपको एक बात बतानी है, वो उसका नाम टिप्पू है। जब मैं अपने गांव में थी तो कोई एक मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती थी। लेकिन एक दिन जब मैं घर जा रही थी तो उसने मुझे रोका। श्रुति, मैं तुम्हें कई सालों से प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा, तुम ही उसका कारण बनोगी। देखो, तुम्हें कल रात तक का समय देता हूँ, सोचना और बताना, समझे क्या? नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। देखो, कल तक मुझसे प्यार नहीं किया तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगी, सावधान। इस तरह टिप्पू द्वारा धमकाए जाने पर श्रुति अपने पिता को बताती है।
पिताजी, टिप्पू नाम का एक मुझसे प्यार करता करके मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसने मुझे धमकाया है कि कल तक मैं ये स्वीकार कर लूं कि मैं उससे प्यार करती हूं। पिताजी, ठीक है बेटी, हमारे जमींदार मूर्ति जी से कहकर उसके अकल ठिकाने पर लगवा दूंगा, तुम घर पर ही रहना। शिवा उनके गाँव के मुखिया मूर्ति जी के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है। आपको ही उसे फटकारना होगा मूर्ति जी। ठीक है, मैं उसे कल देख लूंगा, तुम आज घर जाओ, फिर कल आना। अगले दिन हमेशा की तरह टिप्पू श्रुति का रास्ता रोकने के लिए उसकी राह देख रहा था। मूर्ति जी, शिवा और कुछ अन्य ग्रामीण वहां आकर टिप्पू को पीटते हैं। अरे टिप्पू, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। एक लड़की तुम्हें पसंद नहीं करती तो तुम्हें उस लड़की के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन तुम बार बार उस लड़की के पीछे पड़कर उसे छेड़छाड़ कर रहे हो, इसलिए हमने तुम्हें पीटा। अब से तुम्हें इस गांव में आने की इजाजत नहीं है। दोबारा इस गांव में दिखे तो हम तुम्हें पीटेंगे नहीं, जान से मार देंगे। टिप्पू को पीटकर उसका अपमान करके उसे गांव से बाहर निकाल दिया। अपमान से टिप्पू पास वाले अबोली पहाड़ में चला जाता है। अरे शिवा, जब लड़की सयानी हो जाती है तो ऐसे बहुत से लोग पीछा करके छेड़छाड़ करते हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो लड़की की तुरंत शादी करवा दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है साहब, वैसा ही करूंगा। इस तरह पिताजी ने मेरी शादी आपसे कर दी, लेकिन इतने सालों के बाद उसे देखकर मुझे डर लगा। ठीक है, तुम डरो मत, अगर फिर वो तुम्हें दिखाई दे तो मुझे बताना, मैं संभाल लूंगा। उसी दिन रात को सब लोग सो जाते हैं। उस समय टिप्पू फिर से मृणाल के घर आता है, खिड़की से झांक कर देखता है। इसी बीच एक आदमी बाहर से टिप्पू को देखकर चिल्लाता है। अरे कौन हो तुम, उस घर में क्यों झांक रहे हो? तुम्हें इससे क्या, यहां से चले जाओ। अबे तू देखने में चोर की तरह लग रहा है, रुक अभी तेरी खबर लेता हूँ। टिप्पू तुरंत गुस्सा हो जाता है और प्रसाद को मार गिराता है। टिप्पू बेहोश प्रसाद को अम्बोली में स्थित गुफा में ले जाता है। वहां रिवीर राक्षस की पूजा करने के बाद प्रसाद का सिर काट कर उसकी बलि चढ़ाता है। इसके मृत शरीर के द्वारा ही मृणाल को जंगल में बुलवाऊंगा। उसने प्रसाद के मृत शरीर पर नाखूनों से खरोच बना दिया, गांव के बाहर फेंक कर वहां से चला जाता है। सुबह होते ही गांव के लोग प्रसाद की लाश देखकर बहुत डर गए। गौर से देखने पर प्रसाद की लाश पर नाखूनों के निशान थे। गांव वालों ने सोचा कि गांव में कोई बाघ आ गया है और प्रसाद को मार डाला। उन्होंने मृणाल को इस बारे में बताया। मृणाल, गांव में एक बाघ आ गया है, इसने हमारे प्रसाद को मार डाला है, तुम इसे किसी तरह मार डालो। ठीक है, मैं उसे देख लूंगा। श्रुति, मुझे एक काम है, हमारे गांव में एक बाघ आ गया है, उसने हमारे प्रसाद को मार डाला है। गांव के सभी लोगों ने मुझसे कहा है कि मैं उस बाघ को मार दूं। मैं उस काम के लिए जा रहा हूं, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे बड़े भाई जितेश को भेजूंगा। ठीक है जी, आप अपना ख्याल रखिए। मृणाल ने जो कुछ हुआ जितेश को बताकर अम्बोली शिकार करने के लिए जाता है। रात का समय था, पूरा अंधेरा था। मृणाल घूम घूम कर थक जाता है और एक पेड़ के नीचे आराम करता है। रात के 12 बजे थे, अचानक उसे बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। यह सुनकर मृणाल जाग जाता है और इधर उधर देखता है। जब कुछ नहीं दिखता तो चलते हुए आगे जाता है। एक जगह उसे इंसान की हंसी की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर मृणाल वहां जाता है। जाकर देखने पर एक आदमी बाघ को मारकर खा रहा है। मृणाल यह देखकर बहुत डर जाता है, तुरंत वहां से बाघ गायब हो जाता है। तुरंत टिप्पू हंसता है। क्या मृणाल, तुम आ गए, क्या देख रहे हो? मैं कौन हूँ? मेरा नाम टिप्पू है, ये सब मेरी योजना है, तुम यहाँ आकर फंस गए हो। टिप्पू इस तरह हंसते हुए मृणाल पर शिव स्मृति शक्ति का उपयोग करता है। तुरंत ही मृणाल एक मूर्ति की तरह बन जाता है।
उस मूर्ति को एक पेड़ के पीछे छिपा कर मीनार की तरफ नाम बदल कर अपनी माया से एक मरा हुआ बाघ की सृष्टि करता है और उसे अपने कंधे पर रखकर गांव के लिए निकल जाता है। सुबह हो रही थी, वो गांव आता है। बाघ को मरा हुआ देखकर हर कोई खुश होता है। वो बाघ को वहीं छोड़कर घर जाता है। श्रुति, मैं घर आ गया। आप आ गए? ये क्या, आप कुछ लेकर नहीं आए? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? जब भी आप शिकार पर जाते हैं तो लाते हैं ना, इसलिए पूछा। नहीं, नहीं लाया। मुझे परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। मृणाल कभी उस पर गुस्सा नहीं करता था, इसलिए श्रुति को शक हुआ। इसके अलावा जब भी शिकार पर जाता था तो पशु के दांत को लेकर आने वाला मृणाल इस बार दांत लेकर नहीं आया तो श्रुति का शक और बढ़ जाता है। वो तुरंत जाकर जितेश को बताती है। भाई, मृणाल के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। हमेशा की तरह नहीं, आज उसने कुछ अजीब व्यवहार किया है। नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, शक मत करो। नहीं भाई, जब भी मृणाल शिकार पर जाते हैं तो जानवर को मारकर उसका दांत ले आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं किया। और जब घर आए तो मुझ पर नाराज नहीं होते थे, आज मुझ पर अजीब सा गुस्सा किया। मुझे डर है कि कहीं मृणाल को कुछ हुआ तो नहीं। ठीक है, तुम डरो मत, मैं उस पर नजर रखता हूँ। इस तरह जितेश ने मृणाल पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन मृणाल अम्बोली जंगल की ओर जाता है। ये देखकर जितेश भी मृणाल के पीछे जाता है। मृणाल इधर उधर देखता है और पास की झाड़ियों में चला जाता है। उसे देखकर जीतू भी उसका पीछा करता है। उधर देखने पर मृणाल एक मूर्ति के सामने खड़ा होता है। अचानक मृणाल टीपू में बदल जाता है। मृणाल, तुम इस मूर्ति की तरह बड़े अच्छे लग रहे हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी को भी मूर्ति की तरह बना दूंगा, फिर दोनों मिलकर हमारे अरवीर राक्षस के लिए बलि बन जाना। ये सब देखकर जितेश बहुत डर गया और तुरंत वहां से श्रुति के पास जाकर, श्रुति, तुमने जो कहा वो सच है, ये मृणाल नहीं है, मृणाल के रूप में टिप्पू है। तो फिर हमारा मृणाल कहाँ है? मृणाल अम्बोली में एक मूर्ति की तरह बन गया है। इस बीच टिप्पू जो मृणाल के रूप में आता है, जितेश और श्रुति की सारी बातें सुन लेता है। घर के अंदर आकर टिप्पू में बदल जाता है। क्या श्रुति, मेरे बारे में सब पता चल गया? अरे टिप्पू, तुम्हें मार कर हम अपने मृणाल को वापस ले आएंगे। तुरंत जितेश टिप्पू को मारने जाता है, लेकिन टिप्पू जितेश को मारकर नीचे गिरा देता है। जितेश मरकर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर श्रुति डर जाती है। तुरंत टिप्पू श्रुति को भी एक मूर्ति में बदल देता है। टिप्पू श्रुति की मूर्ति को लेकर अम्बोली में अरवीर गुफा के पास जाता है। श्रुति, अगर तुमने उस दिन मेरे प्यार को स्वीकार कर लिया होता तो तुम आज एक मूर्ति में बदल कर बलि पर नहीं चढ़ रही होती। उस दिन तुमने मुझे ठुकरा दिया, आज बलि होने जा रही हो। उस दिन मुझे पीट कर गांव से भगा दिया। मैं असमंजस में था कि क्या करूं। उस समय अरवीर ने मेरा गुफा में स्वागत किया, फिर तब मैं यहां आया। मैं कई वर्षों से इस अरवीर की उपासना कर रहा हूं। कई जानवरों की बलि देने के बाद आखिरकार अरवीर ने मुझ पर कृपा और बदले में मुझे एक शिल्प स्मृति शक्ति प्रदान किया। मैंने तुम्हें और तुम्हारे पति को शक्ति से मूर्ति में बदल दिया। इसी बीच जितेश को होश आ जाता है। वो चारों ओर देखता है तो कोई नहीं है। जितेश के समझ में कुछ नहीं आता कि क्या करे, तब उसे मंत्र वाली बूढ़ी काकी की याद आती है। वो बिना देर किए मंत्र वाली काकी के पास जाता है। काकी, तुम्हें ही मेरी बहन और जीजा की रक्षा करनी होगी। बताओ जीतू, क्या समस्या है? काकी, मृणाल और श्रुति को टीपू नाम के एक राक्षस ने मूर्ति में बदल दिया है। उन्हें अम्बोली में अरवीर राक्षस को बलि देने वाला है। हमें तुरंत जाकर उसे रोकना होगा। तुम्हें हमारी मदद करनी होगी काकी। ठीक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मुझे तुरंत वहां ले चलो। ठीक है काकी, मैं तुम्हें पहले मृणाल के पास ले जाऊंगा। मृणाल को एक मूर्ति की तरह बनाकर अम्बोली में रखा है। ठीक है चलो, पहले मृणाल को बचा लेते हैं। जितेश और काकी अम्बोली के लिए निकलते हैं। मृणाल की मूर्ति के पास पहुंचते हैं, लेकिन मृणाल की मूर्ति को कोई निकाल ना सके, इसलिए एक सांप को रखवाली के लिए रखता है। काकी, इस मूर्ति की रखवाली के लिए एक सांप है, अब क्या करूं? तुम रुको। तुरंत काकी ने अपनी शक्ति से मृणाल की मूर्ति को मनुष्य में बदल दिया। इंसान में बदले मृणाल को जितेश सब कुछ बता देता है। ये सुनकर मृणाल, काकी तुम्हें कुछ भी करके उस राक्षस का अंत करके मेरी पत्नी को बचाना ही होगा। नहीं मृणाल, मेरी बात सुनो, अब हम उस राक्षस को किसी भी मंत्र से समाप्त नहीं कर सकते, हम उससे लड़कर ही उससे समाप्त कर सकते हैं। ये महिमांत्रिक जल और ये तलवार लो, उस राक्षस से लड़ने के लिए ये काम आएंगे। जाओ, जीत तुम्हारी है। ठीक है काकी, जैसा तुमने कहा मैं वैसा ही करूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा। मृणाल और जितेश अरेहिर के गुफा में जाते हैं। वहाँ टिप्पू को देखकर मृणाल जोर से चिल्लाता है, टिप्पू तेरी मौत मेरे हाथों है, आओ आओ। मृणाल बच निकला, अर्थात अब दोनों को एक ही समय में बलि दे सकता हूँ, आओ। मृणाल महिमावत जल पीकर टिप्पू के पास जाता है। टिप्पू अपने शरीर में मूर्ति शक्ति का उपयोग करता है, लेकिन मृणाल को कुछ नहीं होता है। फिर दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। जब मृणाल टिप्पू को मार देता है, अचानक गुफा में कंपन होता है। तुरंत जितेश और मृणाल श्रुति की मूर्ति लेकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। पूरा गुफा ढह जाता है। मृणाल जितेश साथ में श्रुति की मूर्ति को काकी के पास ले जाते हैं। श्रुति को फिर से इंसान की तरह बना दो काकी। ठीक है। श्रुति भी फिर से इंसान में बदल जाती है। मृणाल और श्रुति फिर से खुशी से रहने लगते हैं। अरवीर गुफा के ढह जाने के बाद गांव के लोग बिना किसी डर के अम्बोली आ जा रहे हैं। सभी मिलकर मंत्र वाली काकी को धन्यवाद करते हैं।